की आधी रात जब खड़ी की सुई आगे बढ़ेगी और 1 जुलाई का स्वागत करेगी, तब भारतीय इतिहास भी कर व्यवस्था की दृष्टि से एक नए युग में दाखिल होगा। तब एक देश एक कर लागू हो चुका होगा। लेकिन इस वक्त सबके मन में सवाल है कि आखिर ये जीएसटी क्या बला है? जीएसटी पुरानी कर व्यवस्था से कैसे अलग है? अब टैक्स के कितने स्लैब होंगे? रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी या महंगी? स्मार्टफोन सस्ते होंगे या महंगे? कार महंगी होगी या सस्ती? सवाल ये भी है कि अभी टैक्स कैसे वसूले जाते हैं? ऐसे ढेरों सवाल जहन में उठ रहे हैं, लेकिन जवाब नदारद। तो आइए समझते हैं कि जीएसटी क्या है। पहले बताते हैं कि मौजूदा कर व्यवस्था और जीएसटी में क्या फर्क है। तो बता दें कि जीएसटी के तहत पूरे देश में एक सामान पर टैक्स की एक ही दर होगी। कितने तरह के टैक्स शामिल होंगे जीएसटी में? जीएसटी में केंद्र और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष टैक्स को एक साथ मिला दिया गया है। जीएसटी में जिन अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है वो हैं केंद्र के टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त सीमा शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटी यानी CVD, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सेवा कर और सामान व सेवाओं पर लगने वाले तमाम सेस और सरचार्ज, राज्य के टैक्स VAT, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, परचेज टैक्स, साथ ही लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर लगने वाले टैक्स के अलावा राज्य सरकारों की ओर से लगाए जाने वाले तमाम सेस और सरचार्ज। जीएसटी क्या है? मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था और जीएसटी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि अभी जहां हर स्तर पर टैक्स लगता है और टैक्स पर भी टैक्स लगता है, वही नई व्यवस्था में सिर्फ केवल अंतिम पड़ाव यानी उपभोक्ता पर ही कर लगेगा और बाकी सारे स्तर के कर बाद के कर से घटा दिए जाएंगे। तकनीकी भाषा में कहें तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी में किस तरह से टैक्स लगेगा? उत्पादन की लागत मान लिया जाए 100 रुपए, जीएसटी 28% यानी उत्पादन की कुल कीमत 128 रुपए। जीएसटी का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, इसके लिए न्यूज इंडिया ने नॉर्थ इंडिया कोस्ट अकाउंटेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल शर्मा से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जीएसटी का क्या फायदा होगा और लोगों को कैसे इफेक्ट करेगा। मेरा प्रश्न ये है कि आम लोगों को कुछ नहीं पता है जीएसटी क्या है, बस एक जीएसटी का भूत सुनने को मिलता है उन्हें। हाँ जी, सरकार को लगता है कि वो बहुत बड़ा कुछ काम होने वाला, आम आदमी बिल्कुल कंफ्यूज है। हाँ, क्या होगा व्यापारी आम आदमी? तो आप हमें ये बताएं कि इसके क्या फायदे नुकसान इमीडिएटली हैं, अभी जैसे जैसे 1 जुलाई से होगा तो क्या फायदे नुकसान लोगों को महसूस होंगे, महंगाई बढ़ेगी कम होगी क्या होगा? तो संजय जी, ऐसा है कि जीएसटी से इमीडिएटली तो फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैं यस, इसके बहुत दूरगामी मतलब की फायदे होंगे इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी जो जीएसटी है वो एक डाइल्यूटेड फॉर्म में आ रहा है देश के अंदर। तो जब ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसका जो बेनिफिट और डेफिनेटली कस्टमर को मिलेगा। चैलेंज रहेगा कि वो बेनिफिट जो जीएसटी का है वो कस्टमर को पास ऑन कैसे होगा, एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो जीएसटी में होने वाला है वो ये कि आज हम एक्साइज के ऊपर वैट पे करते हैं, यानी कि एक्साइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है उसके ऊपर वैट कैलकुलेट करके हम उस स्टेट गवर्नमेंट को वैट पे करते हैं। जीएसटी में हमें एक्साइज के ऊपर वैट पे करने की जरूरत नहीं होगी जी, तो उससे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और उसका कंज्यूमर को बेनिफिट होगा।
जी और उसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट और है वो कि आज मैं जब सी फॉर्म के अगेंस्ट यानी कि सी फॉर्म और 2% का टैक्स मेरी प्रोडक्ट के अंदर ऐड होता है, कॉस्ट ऐड होती है सी फॉर्म के अगेंस्ट जो मैं 2% का CST देता हूँ, तो जो 2% का टैक्स इंटरस्टेट होता है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है ना? हाँ जी, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में 2% का जो CST लगता है उसका मुझे आगे आके सेट ऑफ नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, तो GST में क्या होगा कि मैं पूरे देश से कहीं से भी माल उठाऊं तो जितना भी मैं टैक्स पे करूंगा उसका मुझे सेट ऑफ मिल जाएगा। अच्छा, तो उससे मेरे मटेरियल की, मेरे रॉ मटेरियल की या मेरे फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी, लैंडेड कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उसका भी बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है, वो उस बेनिफिट को कस्टमर को कैसे पास ऑन करेगी, कैसे इंश्योर करेगी, वो एक चैलेंज है अभी तक बना हुआ, जिसका फायदा कस्टमर को सीधे सीधे अभी मिलता नजर नहीं आ रहा। GST कर का जाल है। GST लागू होने से कर का जाल जहां खत्म हो जाएगा, तो मुमकिन है कि कई सामान पर टैक्स की दरें घट जाएंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि उसकी कीमत में कमी आएगी। यही वजह है कि सरकार कह रही है कि GST लागू होने के बाद कई सामानों के दाम घट जाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।